भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अजय अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और व्यापारियों की सुरक्षा व आए दिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हो रही चोरी और साहबगंज चौरैया गोला में गोयल आयल के मुनीब के साथ छिनैती की घटना का खुलासा करने की मांग की। डॉक्टर अजय अग्रवाल ने कहा कि शहर में व्यापारियों के साथ आए दिन घटना हो जा रही है, इसके लिए साहबगंज, रेती चौराहा, चौरैया गोला, सर्राफा मंडी, उर्दू बाजार सहित भीड़ भाड़ वाले इलाके चौराहों पर पुलिस पिकेट और डायल 100 की गाड़ियां लगवाई जाएं, जिससे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों और उनकी सुरक्षा हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए व्यापार प्रकोष्ठ क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अजय अग्रवाल ने कहा, प्रकरण था ये जो घटना घटी है साहबगंज में, गोयल जी के मुनीम के साथ छिनौती हो गई। आजकल अपराधी भी अपना ट्रेंड एकदम बदल दिए हैं, नए नए रूप में, कभी पुलिस की वर्दी पहन के कभी किसी रूप में पहुंच जाते हैं और किसी ना किसी प्रकार की घटनाएं कर देते हैं। हमारे एसएसपी साहब भी ये बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरी उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने टीम लगा दी है, जल्दी ही वो पकड़े जाएंगे। और उन्होंने बताया भी कि व्यापारियों को भी थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है कि इस टाइप के लोग जो आ रहे हैं तो उन लोगों से भी सजग रहें और उन लोगों के बारे में तत्काल सूचना दें। मैंने एसएसपी साहब से कहा कि इन बाज़ारों में पुलिस गश्त और पिकेट इसकी बड़ी आवश्यकता है, जो दिखाई नहीं देती, और ज़्यादा से ज़्यादा गश्त हर क्षेत्र में, जितने भी जहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उर्दू बाज़ार हो, साहबगंज हो, चौरैया गोला हो, उर्दू ये हिंदी बाज़ार हो, सभी व्यापारिक क्षेत्रों में, रेती हो, सभी जगह ये गश्त बढ़ा दी जाए। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे व्यापारियों को आप चिन्हित कर लें कि जिनसे ये पिकेट वाले और पुलिस गश्त वाले लोग मिलते रहें, उनसे हालचाल लेते रहें। ये मैंने एसएसपी साहब से कहा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। इस समय भी उन्होंने कोतवाल से कहा है, कोतवाल साहब बैठे हुए हैं और व्यापारियों के साथ बातचीत चल रही है इसी विषय पर। डॉक्टर अजय अग्रवाल।